name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. तो पहले वीडियो में अपन ने देखा था कि बी और उसकी फॉर्म्स पढ़ रहे थे, तो बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, वो अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं. और आज अपन देखेंगे बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी कैसे आता है और कैसे इसकी पहचान करते हैं. तो पहले देख लेते हैं नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है. इसका मतलब नाउन की पहचान बताता है नाउन ऑफ आइडेंटिटी. जैसे कोई लड़का खड़ा है तो उसको किसी ने बोला कि तुम इंजीनियर हो या तुम स्टूडेंट हो, तो जो उसको बता रहा है कि तुम इंजीनियर हो या तुम स्टूडेंट हो, तो उसकी पहचान बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? उसकी पहचान बता रहे हैं. उसकी तुम क्या हो उसकी पोस्ट बता रहे हो. उसकी जो आइडेंटिटी है ना, पहचान बता रहे हैं कि तुम ये हो. तो नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या है? किसी की पहचान बता. जैसे कोई, जैसे एग्जांपल देखते हैं, यू आर अ स्टूडेंट. तो आर क्या है यहाँ पे? बी है ना. बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है? बी में कौन कौन आता है? ईजेमआर आता है, वाजवर आता है, बी आता है, बीन आता है और बींग आता है ना. ये सब किसकी फॉर्म होती है? बी की फॉर्म होती है. तो यहाँ बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी देख रहे हैं, तो बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी ये हो गया. ये क्या है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी है. स्टूडेंट क्या है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी. मतलब किसी की पहचान, नाउन की पहचान बताने वालों क्या बोलते हैं? नाउन ऑफ आइडेंटिटी. तो स्टूडेंट क्या है? नाउन ऑफ आइडेंटिटी है. और नाउन ऑफ आइडेंटिटी के पहले आर्टिकल आ सकता है, लेकिन तब आएगा जब जो नाउन ऑफ आइडेंटिटी है ना, वो क्या हो? सिंगुलर हो प्लस काउंटेबल हो. सिंगुलर प्लस काउंटेबल. सिंगुलर यानी एक वचन और गिनने लायक हो, है ना. तो क्या हो जाएगा? उसके आगे आर्टिकल लग जाएगा. जैसे ये एग्जांपल देखते हो, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. अगला एग्जांपल देखते हैं, यू आर अ माइजर मैन. अब ये सेंटेंस क्या है? गलत है. क्यों? आपको लग रहा होगा सही है. क्या गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि जो माइजर है ना, ये कंप्लीट एक नाउन है. माइजर यानी कंजूस व्यक्ति. माइजर यानी कंजूस व्यक्ति. जब माइजर में ही कंजूस व्यक्ति लगा हुआ है, तो इस मैन को लगाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? क्योंकि यह जो माइजर है, इसमें एडजेक्टिव, इसमें क्या है? ये कंप्लीट नाउन है. तो इस मैन को लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइजर यानी एक कंजूस व्यक्ति. कंजूस व्यक्ति, उसमें ऑलरेडी व्यक्ति लगा हुआ है, तो मैन लगाने की जरूरत नहीं है. तो मैन यहाँ पे नहीं लगेगा, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस. ठीक है, अगला देखते हैं, यू आर अ माइजर. यू आर माइजर. अब आप देखो, आप माइजर क्या है? माइजर क्या है? जस्ट मैंने पता था नाउन है माइजर. अब नाउन के आगे आर्टिकल लगता है ना. क्यों लगता है? नहीं लगता, आर्टिकल लगता है, जो कि यहाँ पे नहीं लग रहा. तो आर्टिकल लगता तब जाके सही होता, तो ये क्या हो जाएगा? गलत. अब अगला एग्जांपल देखते हैं, यू आर अ माइजर. अब यहाँ पे आर्टिकल भी लग गया, नाउन भी हो गया, तो नाउन ये हो गया, इसके आगे आर्टिकल लग गया, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा. नाउन कैसे निकालते हैं? मैंने अच्छे से बताया था, एक रिदम बताई थी, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा करके लगा दो, तो वो हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. ठीक है, तुम्हारा करके देख लो, अगर बोलने में सही लग रहा हो तो वो नाउन हो जाएगा. ठीक है, माइजर क्या? एक कंजूस व्यक्ति है. कंजूस व्यक्ति, व्यक्ति क्या होते हैं? व्यक्ति जिसको अपन टच कर सकते हैं ना. व्यक्ति यानी कंजूस व्यक्ति. व्यक्ति कोई पर्सन है, और पर्सन को अपन टच कर सकते हैं. तो फिजिकल नाउन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा ये, है ना. ये नाउन हो जाएगा, नाउन के आगे आर्टिकल लग गया. अब नाउन ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं. मैंने पहले बताया सिंगुलर. नाउन ऑफ आइडेंटिटी क्या बताया मैंने? सिंगुलर हो और प्लस काउंटेबल हो, तभी आर्टिकल यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आर्टिकल यूज नहीं कर सकते. अगर जैसे सिंगुलर नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो वहां पर आर्टिकल यूज नहीं कर सकते नाउन ऑफ आइडेंटिटी के साथ. किसके साथ? नाउन ऑफ आइडेंटिटी के साथ. जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं, यू आर एन इंजीनियर. अब इंजीनियर क्या है? सिंगुलर है और काउंटेबल है. इंजीनियर को गिन सकते हैं ना, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो यहाँ पे आर्टिकल लग गया, है ना, आर्टिकल लग गया. ये क्या हो जाएगा? नाउन ऑफ आइडेंटिटी है. और ये क्या हो जाएगा? आर बी हो जाएगा. बी की एक फॉर्म है ना, जिसे इज एम आर वाज वर बी बी बीन में से आर एक फॉर्म आ गई बी की, तो बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ रहा है, तो उसके आगे आर्टिकल लग रहा है, तो सेंटेंस सही हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे स्पेशल है. ये स्पेशल कैसे, क्या है? यू आर अ सक्सेस इन योर लाइफ. अब देखो ये सक्सेस क्या है, सबको पता है, अनकाउंटेबल नाउन है. क्या है? अनकाउंटेबल नाउन. देखो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी इन्होंने क्या लगा रखा है? आर्टिकल लगा रखा है, जो कि लगता नहीं है. क्या? अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता हमेशा, ठीक है, बट यहाँ पे लगा रखा है. अब जब लगा रखा है, तो कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना इसका. तो जैसे ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं, तो वो अगर या तो सही है, या तो गलत है, या फिर सही है. अगर सही है ना, तो वो उसका जो सक्सेस का मतलब है ना, इसका जो मतलब है बदल जाएगा. क्या? सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और असक्सेस का मतलब हो जाएगा एक सफल प्रयास. इस पूरे असक्सेस का क्या मतलब हो जाएगा? एक सफल प्रयास. क्योंकि इसका मतलब होता था सक्सेस, लेकिन अ लगाने के बाद इसका मतलब हो जाएगा एक सफल प्रयास, जो कि काउंटेबल हो जाएगा, जो कि काउंटेबल हो जाएगा, नाउन ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा एक तरह से. क्या? नाउन ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा. इस हिसाब से ये सही हो जाएगा. यहाँ पे जो आर्टिकल लगाया है अनकाउंटेबल के आगे, क्योंकि अनकाउंटेबल के आगे आर्टिकल नहीं लगता, अगर लगाया है, अगर सही है, तो इसका पूरा का मतलब बदल जाएगा, और मतलब बदल के क्या हो जाएगा? एक सफल प्रयास, जो कि एक नाउन ऑफ आइडेंटिटी हो जाएगा. तो बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी सही है. और योर लाइफ, और ये क्या है? इन क्या है?
प्रीपोजिशन है, योर लाइफ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में ऑब्जेक्ट दो के होते हैं, या तो ये हो जाएंगे टीवी के या हो जाएंगे प्रीपोजिशन के। तो ये वाला ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, इस प्रीपोजिशन का, इस इनका प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देते हैं, योर प्लान इज अ सक्सेस। अब ये भी वही केस है स्पेशल वाला, सक्सेस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अरे सेंटेंस पहले बता दो सही है। अब जब ये सेंटेंस सही है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे इसने आर्टिकल लगा रखा है, तो उसको पूरे का मतलब बदलेगा तभी जाके तो सही है। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, लेकिन असक्सेस का मतलब हो जाएगा एक सफल प्रयास, एक सफल प्रयास, है ना। यहाँ पे इसका सफल प्रयास हो जाएगा, और ये यू आर अ सक्सेस, यू आर अ सक्सेस, यू आर अ सक्सेस का मतलब एक सफल व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे व्यक्ति है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे। ये जो यू आर अ सक्सेस, यू आर अ सक्सेस का, यू आर अ सक्सेस का मतलब होगा एक सफल व्यक्ति, और यू आर अ प्लान, योर प्लान इज अ सक्सेस, योर प्लान इज अ सक्सेस का मतलब हो जाएगा एक सफल प्रयास, इसका तो मतलब हो जाएगा सफल प्रयास, और इस वाले सक्सेस का मतलब हो जाएगा एक सफल व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि ये एक नाउन ऑफ आइडेंटिटी बदल जाएगा, में कन्वर्ट हो जाएंगे आर्टिकल लगाने के बाद। ठीक है, अनकाउंटेबल है लेकिन आर्टिकल लगाया तो इसका मतलब बदल गया। अगला देखते हैं, अब इसका अगर यहाँ पे जैसे ये होता है सेंटेंस, अपन नॉर्मली पढ़ते हैं यू आर अ सक्सेसफुल, बी के बाद एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, एक रिदम पकड़ो, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, है ना, सॉरी ये अपन ये तो वो निकाल रहे, नाउन निकाल रहे हैं। एडजेक्टिव कैसे निकालते हैं, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सक्सेसफुल हो, तो ऐसे बोलने पर अगर सही लग रहा हो, अगर बोलने पर सही लग रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर बोलने में सही लगा, सक्सेसफुल का निकालना, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सक्सेसफुल हो, बोलने में सही लगा, इनकी क्या हो जाएगा, नाउन, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे इसका देख लेते हैं, ये भी एक एडजेक्टिव है, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम सक्सेसफुल हो, तो इसके साथ एडजेक्टिव जाएगा। इसको ये समझ में नहीं आ रहा हूँ मैं, तुम गुड़ो, तुम बेड़ो, तुम्हारा तुम्हारा करके क्या बोल रहा हूँ, तो पिछले वीडियोज़ को जरूर देखें प्लीज़, जब ये आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहा है उसको पता लग रहा है कितनी ईजी हो रही पूरी इंग्लिश। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, उससे बाकी लोग भी जुड़ पाएंगे और उनको भी पढ़ा पाएंगे, ताकि उनकी भी जो इंग्लिश है वो अच्छी हो पाए, क्योंकि मैं पूरा हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, अगर कोई भी जीरो से भी देख रहा होगा तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, अगला है जो अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल नहीं यूज करती, देखो मैंने यहाँ लिख रहा है बट, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ए या एन का यूज करके अपना मीनिंग बदल देती है। बदला था ना, जैसे सक्सेस का मतलब होता है सफलता, लेकिन असक्सेस का मतलब हो गया था, ये देखो यहाँ पे लिख रखा मैंने, असक्सेस का मतलब हो जाएगा एक सफल प्रयास, और दूसरा असक्सेस का मतलब क्या था, एक सफल व्यक्ति। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला अच्छे समझ में आ जाएगा। अ फायर ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग, अब फायर यानी आग होता है, लेकिन अ फायर का मतलब हो जाएगा आग की घटना, अ फायर मतलब आग की एक घटना हो जाएगी, फायर मतलब आग और अ फायर मतलब आग की एक घटना, ब्रोक आउट इन द बिल्डिंग, बिल्डिंग में लग गई थी। ठीक है, बतला ना मीनिंग इसका, फायर मतलब होता है आग, लेकिन अफायर का मतलब हो जाएगा घटना, जो कि इसका मीनिंग बदल गया, क्योंकि फायर एक अनकाउंटेबल है, लेकिन अनकाउंटेबल पहले आर्टिकल लगाया जो कि गलत होता है, लेकिन ये लगाने पे इसका मतलब बदल गया, आग से एक आगे की घटना बदल गया पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखो माइजर क्या है, एक नाउन है, क्या है, माइजर एक नाउन है, अब इसके पीछे अगर उसके सुफिक्स लगा दे इसके एलवाई, तो माइजरली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लो, फ्रेंड, फ्रेंड में अगर सुफिक्स लगाए तो फ्रेंडली, ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बोलते ना अपन यार फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली नेचर, नेचर क्या है, नाउन है, नेचर क्या है, नाउन है, और फ्रेंडली आगे उसके अगर किसी के नाउन के आगे कुछ एडजेक्टिव कुछ शब्द लगा लिखा हुआ है और उसकी विशेषता बता रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया फ्रेंडली नेचर लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये नेचर क्या हो जाएगा, नाउन, और फ्रेंडली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये जो फ्रेंडली है ना, इस नेचर की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, और एक यहाँ पे लिख दो फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, नाउन है, फ्रेंड नाउन कैसे पता करते हैं, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा फ्रेंड, है ना, फ्रेंड का तुम्हारा तुम्हारा करके पता चल गया, क्यों, क्योंकि जैसे बोलने में सही लगे, तुम्हारा तुम्हारा करके बोलने में सही लगे, तो अगर वो बोलने में सही लगे तो नाउन है। फ्रेंड का पता करना है, बोलो तुम, तुम्हारा पेन, तुम्हारा रजिस्टर, तुम्हारा फ्रेंड, बोलने में सही लगे, इनके नाउन है, ये एडजेक्टिव बन गया। कैसे पता करते हैं, तुम गुड़ो, तुम बैठो, तुम गेड़ो, तुम बैठो, तुम फ्रेंडली हो, तुम गुड़ो, तुम बैठो, तुम फ्रेंडली हो, तो बोलने में से लगा, इनकी एडजेक्टिव बन गया। सिमिलरली माइजरली बन गया एडजेक्टिव, जैसे माइजर यहाँ पे ये बन गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू आर अ माइजर, यू आर अ माइजर, यू आर अ माइजर, माइजर क्या है, नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल लगा सकते हैं, ये भी सही हो जाएगा, माइजर लिखो चाहो, फ्रेंड लिखो चाहो, कावर्ड लिखो, है ना, काय दोस्त, और कंजूस, क्योंकि कंजूस में ऑलरेडी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, फ्रेंड में ऑलरेडी एक उसका नाउन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पे माइजरली डाल दिया, अब माइजरली डाल दिया, यू आर अ माइजरली, अब यू आर अ माइजरली
माइजरली पूछ रहा है व्हाट, माइजरली कंजूस व्यक्ति। अब यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, ये सारे क्या है एडजेक्टिव है ना, ये सारे क्या है एडजेक्टिव है सारे के सारे, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पीछे नाउन लगाना पड़ेगा क्योंकि अकेला एडजेक्टिव नहीं आ सकता, नाउन लगाया यहाँ पे मैन, तो यू आर माइजरली मैन, यू आर अ फ्रेंडली मैन, यू आर अ कावर्डली मैन, ये वाला सेंटेंस सारे सही हो जाएंगे इसे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। देखते हैं वन वर्ड आज के, वन वर्ड क्या है, डिफिडेंट। डिफिडेंट यानी आत्मविश्वास से रहित, जिसमें जो मतलब शाई नेचर का हो थोड़ा, हाँ तो हो जाएगा आत्मविश्वास से रहित। डिफिडेंट, एगोसेंट्रिक, एगोसेंट्रिक यानी स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति जो खुद का सोचता हो ज्यादा, तो स्वार्थी व्यक्ति, एगोसेंट्रिक यानी स्वार्थी व्यक्ति। एमएसरी क्या हो जाएगा, एमएसरी क्या हो जाएगा, दूत, किसी मिशन पे जो किसी को भेजते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एमएसरी हो जाएगा, दूत हो जाएगा वो, है ना। एवड्रोफर्स क्या हो जाएगा, एवड्रोफर्स, एवड्रोफर यानी दोइया, है ना, तो दूसरों की बातों को सुनता हो, है ना, दूसरों की बातों में इंटरेस्ट लेता हो, दूसरों चुप चुप के सुनता हो, तो क्या हो जाएगा, दोइया, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एवड्रोफर्स। ठीक है, इडम फ्रेज देख लेते हैं, इडम फ्रेज क्या है आज के चार इडम फ्रेज, टू रेस्ट ऑन वंस, टू रेस्ट ऑन वंस लोरेल, टू रेस्ट ऑन वंस लोरेल यानी भारी रकम चुकाना, क्या भारी रकम चुकाना, क्या हो जाएगा इसमें, भारी रकम चुकाना। अगला देखते हैं, टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, टू गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डांट लगाना, क्या डांट लगाना, किसी को फटकारना। ठीक है, अगला देखते हैं, स्टीव ऑफ, स्टीव ऑफ, स्टीव ऑफ यानी गठित होने से रोकना, यानी कि प्रिवेंशन करना, है ना, प्रिवेंशन करना, गठित होने से पहले से रोक देना, यानी कि स्टीव ऑफ, पहले रोक दो उसको। टू टेक, टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर यानी के जैसा दिखना, जैसे मैं मेरे पापा के जैसा दिखता हूँ, तो टू टेक आफ्टर, आई लुक टू टेक आफ्टर माई फादर, तो मेरे पापा के जैसा दिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, टू टेक आफ्टर। तो ये हो गए आज के बी के, बी में अपने क्या क्या देख लिया, बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है वो अपने अच्छे से देख लिया, बी के बाद टीवी की थर्ड फॉर्म आ सकती है वो अपने टीवी आईटी में देख लिया था, बी के बाद आईएनजी आता है वो सभी जानते हैं क्योंकि आई एम कमिंग, आई एम गोइंग, तो ये सभी जानते हैं। बी के बाद नाउन ऑफ आइडेंटिटी आता है वो अपने आज देख लिया। ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, बस आप चैनल को है ना कंटिन्यूटी फॉलो करते रहो, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको एक एक लेक्चर को देखो, आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगी कि कैसे पेपर में किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे उसको पता करते हैं कि इसमें ये गलती है। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज़ वीडियो को, ताकि वो भी अपने चैनल से जुड़ सके, थोड़े से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि हाँ कुछ लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।